आज का वीडियो ठीक है। तो आई थिंक अब टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग की इन वैकेंसीज के बारे में। बहुत सारी चीजों की मैंने लिस्ट बनाई है, काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, रियल टाइम सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिलेगा, चाहे इस पोस्ट के बारे में हो, ठीक है। सब लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सर सैलरी कितना मिलेगी, ठीक है। सैलरी के बारे में, सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्या लेवल इस एग्जाम का होता है, कट ऑफ क्या होती है, तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए, और सबसे इसका डिफिकल्ट जो पार्ट होता है इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स को लेकर या इसका जो बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है, या टायर वन जिसको बोला जाता है, टायर वन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। निशा वर्मा, आई थिंक अब मुझे कमेंट आ रहे हैं सब लोगों के, सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, फटाफट से सभी शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का बेनिफिट यहां पर ले पाए। तो वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे इस वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ACIO। ध्यान रखना वैकेंसी का नाम है ACIO, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। IB जो भारत की एक सुरक्षा एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है। ध्यान रखना यहां पर जो आपकी पोस्ट है जिसका नाम है, यह आपको बेसिकली सेंट्रल सर्विस देखने को मिलेगी, ग्रुप सी कैटेगरी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, बट इसकी सैलरी काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना इसकी सैलरी लेवल 7 मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगी, लगभग 45,000 से लेकर 1,42,400 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज होती है 20% आपको आपकी बेसिक सैलरी का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं भारत की सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। अगर आपकी सैलरी सोचो 60,000 है, तो 60,000 का बेसिकली 20% एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, तो 12,000 आपको अलग से सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 72,000। तो जब आप इसके अंदर एंटर करोगे तो आपकी सैलरी सब कुछ बेसिकली बेनिफिट्स को मिलाकर लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी वो 70,000 से 75,000 के बीच में मिलेगी। और ध्यान रखना अगर आपकी पोस्टिंग रिमोट एरियाज में होती है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, तो आपको बेसिकली और भी एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे। अगर आपकी स्पेशल एरियाज के अंदर पोस्टिंग है तो आपकी सैलरी लगभग आपकी 90 से 95 के तक आपको इस एग्जाम के अंदर सैलरी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये सारा का सारा पर्सपेक्टिव सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बिहाफ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। IB के अंदर इन्फॉर्मेशन आउट करना बेसिकली वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकते, डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं बोल सकते, लेकिन काफी सारे ऐसे दोस्त है जो बेसिकली अलग अलग जगहों पर पोस्टेड है, कुछ श्रीनगर में, कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो उनका जो पर्सपेक्टिव यहाँ पर बना है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा इस पोस्ट के बारे में, इसके वर्क के बारे में। एक तरह से एडवेंचरस जॉब आप इसको समझ सकते हो। अभी जो टोटल वैकेंसीज रिलीज हुई है, UR की मतलब जनरल कैटेगरी की 989 है, EWS की 113 है, OBC की 417, SC की 360, ST की 121, टोटल मिलाकर 2000 वैकेंसी, जो एक अपने आप में बम्पर वैकेंसी कही जाएगी। ध्यान रखना बम्पर वैकेंसी है जो बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा रिलीज की गई है। अब आते हैं वन बाय वन इसकी सारी चीजों पर। पहली चीज, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ध्यान रखना इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो काफी सिंपल है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन बेसिकली चाहे आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे बेसिकली कॉमर्स में हो, किसी भी बैकग्राउंड में आपकी ग्रेजुएशन यहां पर होनी चाहिए, ये सबसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। दूसरी क्वालिफिकेशन, और एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, अभी सारी चीज बताने के बाद सेशन के एंड में जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे उन डाउट्स को यहां पर सॉल्यूशन करूंगा, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाने वाला हूं, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, प्रीलिम्स का पैटर्न, मेंस का पैटर्न, और बेसिकली आपका इंटरव्यू का पैटर्न। ध्यान रखना इसका इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसके बारे में भी अभी लाइव डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और बेसिकली आप देखोगे वहां सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेक नहीं की जाती, आपका सिर्फ एटीट्यूड चेक नहीं किया जाता, आपका कॉन्फिडेंस, आप देखोगे वहां आपकी जो बॉडीली एक्टिविटीज होती है, आपका हाथ धूज रहा है, आपका पैर थरथरा रहा है, उन सब पर नोटिस किया जाता है, क्योंकि यू विल वर्क एज ए एजेंट इन सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों के लिए।
काफी सारे लोग हैं, नवनीत चौधरी, अदिति जैन, सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर बेनिफिट ले सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी एज लिमिट क्या होगी, ध्यान रखना वो सारे स्टूडेंट जिनकी एज 18 से 27 के बीच में है वो ही इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो। कुछ अदर कैटेगरीज के लिए एससी एसटी ओबीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आपके उनके लिए रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, बट बेसिकली एज लिमिट के टर्म्स में जनरल कैंडिडेट अगर 18 से 27 साल का है तो वो इस एग्जाम को दे सकता है। अब आप बोलोगे सर ये एज हम निकालेंगे कहां से, ये भी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। ध्यान रखना एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा एज के अंदर, और बेसिकली ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन इस एज लिमिट के अंदर देखने को मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, ये एज लिमिट कहां से काउंट की जाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना ये एज लिमिट को काउंट करने के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ये एज लिमिट काउंट की जाएगी आपकी 9 जनवरी 2021 से, मतलब 9 जनवरी 2021 तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो इस डेट से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। 9 जनवरी 2021 से पहले पहले आपकी जो एज है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 27 पार हो चुके हो या आप 18 से कम हो, तो आपको एज लिमिट बता दी गई है 9 जनवरी 2021 से काउंट कर लेना। इस डेट तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी चीज इस डेट तक आपकी जो एज है वो 18 से 27 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। पूजा चौहान, मोस्ट अवेटेड वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सभी शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखना यहां पर हर एक चीज का डिस्कशन करूंगा, लास्ट में अगर कोई चीज छूट भी जाती है तो आप डाउट्स के माध्यम से उस चीज को क्लियर कर सकते हैं, तो लास्ट में आप अपने डाउट पूछिएगा, ठीक है। पहली चीज हमने देखी इस एग्जाम के बारे में, वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, एग्जाम किस पोस्ट के लिए है, और बेसिकली एग्जाम की सैलरी कितनी है, ठीक है, कितनी कितनी बाइफर्केटेड अलग अलग पोस्ट है। इस पोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज 20%, ध्यान रखना 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। 60,000 बेसिक सैलरी है तो 12,000 तो एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिलेगा स्पेशल सिक्योरिटी के नाम से, और रिमोट एरियाज में पोस्टिंग का बेसिकली अलग से। तो इस पोस्ट के लिए सैलरी बेसिकली बहुत अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले हम सैलरी पर सोचते हैं कि सर सैलरी कितना मिलेगा इस पोस्ट के लिए, क्योंकि आप देखते हो जब भी देखते हो सर इसके लिए इतना सैलरी है, इसके लिए इतना सैलरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और भारत के, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है, कि बेसिकली काम क्या है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप एक बार देख लीजिए इस एग्जाम का, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आपकी 9 जनवरी 2021 है, यहां तक आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 17 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 9 जनवरी 2021 लास्ट डेट है, उससे पहले अपने फॉर्म भर दीजिएगा। और ध्यान रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब तक जो इसका एग्जाम होता था, लास्ट इसका एग्जाम हुआ था 2017 में, वो अभी तक ऑफलाइन मोड में होता था, ध्यान रखना अभी तक आपको ओएमआर सीट में भरना होता था, मतलब अब जो एग्जाम होगा 2021 के अंदर वो ऑनलाइन मोड में होगा, ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज है। अभी तक आपको ये एग्जाम देना पड़ता था ओएमआर सीट पर, जिसका टायर वन होता था, जिसके अंदर बेसिकली आपको 100 क्वेश्चंस को ओएमआर सीट में फिलअप करना होता था, 1 घंटे का टाइम होता था, कम से कम ओएमआर में भरने का टाइम बचेगा, अब डायरेक्टली आपको टिक करना है आपके बेसिकली कंप्यूटर पर, तो ये ऑनलाइन होगा। और ध्यान रखना ऑनलाइन होगा तो ये एग्जाम थोड़ा लंबा चलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ऐसा नहीं है किसी के पेपर टफ आ गया, किसी के पेपर डिफिकल्ट आ गया, नहीं, एग्जाम में प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन होगा ताकि बेसिकली डिफिकल्टी और इजीनेस को बेसिकली काउंटर किया जा सके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आपको एग्जाम सेंटर्स की प्रेफरेंस दी गई है, हर स्टेट के अंदर सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग, आप बेसिकली सेंटर्स यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और ये नोटिफिकेशन बेसिकली आपको करंट टॉमिक्स के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको करंट नॉमिक्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, करंट नॉमिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। अब नेक्स्ट चीज आप देखोगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना किस तरह से आप इस एग्जाम में प्रोसीड करने वाले हो। सबसे पहला जिसको बोला जाता है टायर वन एग्जाम, ये मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे आपका फेब या मार्च के अंदर बेसिकली आईबी के द्वारा कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि 9 जनवरी तक फॉर्म भरने की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद बेसिकली काफी जल्दी इंटेलिजेंस ब्यूरो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये डेट्स अनाउंस कर दी जाएगी। अब ध्यान रखना जो आपका टायर वन होगा
होगा वो बेसिकली ऑनलाइन मोड होगा। ये ध्यान रखना, पहली बार आईबी का एग्जाम आपको ऑनलाइन मोड देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे के सारे ऑफलाइन मोड पर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, टायर वन एग्जाम के अंदर 100 questions आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जो एग्जाम होता था 2017 में, जो इसका लास्ट एग्जाम हुआ था, वहां पर बेसिकली 100 questions थे, सिमिलर थे, 1 घंटे का टाइमिंग था, लेकिन बेसिकली ऑफलाइन पेपर था। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 25 questions आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, 25 questions आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 25 questions आपको क्वांट के देखने को मिलेंगे और 25 questions आपको जीके के देखने को मिलेंगे। ये पैटर्न था बेसिकली आपका 2017 के एग्जाम के अंदर। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आया है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अभी लेटेस्ट पैटर्न आ चुका है। लेटेस्ट पैटर्न क्या है, यहाँ पर 5 parts में डिवाइड किया गया है, हर पार्ट से 20-20 questions होंगे। ध्यान रखना, पुराना पैटर्न मैंने आपको बता दिया, नया पैटर्न, अभी पुराने पैटर्न के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न होता है आपका जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर आपका आएगा करंट वाला पार्ट। ध्यान रखना, कौन सा वाला पार्ट आएगा, करंट वाला पार्ट, कितने क्वेश्चन, 20 questions। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स वाला पार्ट, 20 questions। उसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट, कितने क्वेश्चन, 20 questions। उसके बाद इंग्लिश वाला पार्ट, 20 questions। और लास्ट में जीएस, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज, या आपका जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो स्टैटिक पार्ट है वो पूछा जाएगा। ध्यान रखना, मतलब 40 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे, जीके में आपका करंट वाला पोर्शन भी आ गया और स्टैटिक वाला पोर्शन भी आ गया। 20 क्वेश्चन तो जनरल स्टडीज से और 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से। ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस मतलब बेसिकली जो करंट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो टोटल हो गए 100 questions, टाइम रहेगा 1 घंटे का और मार्क्स कितने का रहेगा, 100 number का ये पेपर होगा। ध्यान रखना, और इसके कट ऑफ मार्क्स भी है, ध्यान रखना, इसके कट ऑफ मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्राची दोषी हाय, ठीक है, आप सभी का स्वागत है, फटाफट से शेयर करते रहिए सब लोग। ध्यान रखना, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको बेसिकली 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 marks यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा या काट लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। टायर वन के अंदर कट ऑफ भी होगी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 100 questions में से 20 marks आगे आपके आगे तो भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ का भी प्रोविजन रखा गया है। आपको दिखा देता हूँ कट ऑफ क्या रहेगी, आप देखोगे टायर वन के अंदर मिनिमम, आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो मिनिमम 35 marks आपको लाने पड़ेंगे, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हो तो 100 में से मिनिमम 34 marks आपको लाने पड़ेंगे, और अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको मिनिमम 33 marks लाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, मिनिमम कट ऑफ भी रखी गई है, ऐसा पहली बार हो रहा है, ध्यान रखना, तो इसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हो कि बेसिकली मिनिमम कट ऑफ भी आपकी रखी गई है, चाहे यू आर कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, इसको ध्यान रख लेना सब लोग। उसके बाद हम चलेंगे टायर टू पर। ध्यान रखना, जब टायर वन आप पास कर लोगे, आप बोलोगे सर टायर वन में कितने लोग सेलेक्ट होंगे, जितने भी वैकेंसीज है उनका 15 गुना। ध्यान रखना, कितना है, 15 गुना, तो आपके पास कितना मौका है, आपकी वैकेंसीज है 2000, तो लगभग आप देखोगे 15 × 2000 कर लीजिए आप, लगभग 30,000 लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा, टायर टू के लिए बुलाया जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ है, देखो क्लियरली मेंशन है, ये नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, ठीक है, कि बेसिकली टायर वन के अंदर, सॉरी यहाँ पर 15 times नहीं होगा, 10 times, पिछली बार 15 times किया गया था, इस बार 10 times बेसिकली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ है कि जितनी भी टोटल वैकेंसीज है उसका 10 गुना, ध्यान रखना, टोटल वैकेंसीज आपकी 2000 है, 2000 का 10 गुना आप कर लोगे तो 20,000 लोगों को बेसिकली मेंस देने के लिए या टायर टू देने के लिए बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखना, इस बार आईबी ने थोड़ा कम कर दिया है, ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपकी टायर वन के अंदर परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर लगभग वैकेंसीज का 10 गुना लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा। तो अगर 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है तो भी 20,000 बुलाएंगे, 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है तो भी 20,000 बुलाएंगे, तो आपको सबसे पहले 20,000 के अंदर आना है अगर आपको टायर टू देना है तो। अब आप बोलोगे सर टायर टू में क्या क्या होगा, टायर टू के अंदर बेसिकली जो टायर टू होता है 50 number का होता है। अब इस टायर टू के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 30 number का तो आपको एक निबंध लिखना होगा, एक ऐसे लिखना होगा, 10 number का बेसिकली आपका एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पैसेज आएगा, पैसेज से 5 questions आईबी आपसे पूछेगा, ठीक है, और बेसिकली एक आएगा प्रेसी राइटिंग, आपको पैसेज दे दिया जाएगा उसकी समरी आपको करनी पड़ेगी। तो 10 number का प्रेसी और 10 number का आपका कॉम्प्रिहेंशन, टोटल कितने हो गए, 30 number का ऐसे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर आपके ऐसे का। अभी आपको दिखाऊंगा पिछले साल कौन कौन से ऐसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर पूछे गए थे, टाइमिंग
टाइमिंग एक घंटा ही रहेगा। एक घंटे में आपको ऐसे भी लिखना है, ऐसे लगभग आपको 400 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा, अभी आपको दिखा दूंगा ऐसे की वर्ड लिमिट कितनी रहेगी, 400 वर्ड, मतलब लगभग 4 से 5 पेज के अंदर आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी। कॉपी वही आपको देते हैं, आपको अलग से कुछ नहीं ले जाना पड़ता, सब कुछ आईबी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। 30 नंबर का ऐसे लिखो, 10 नंबर का पैसेज कीजिए और 10 नंबर का समरी कीजिए, टोटल 50 नंबर। अब बेसिकली आप टायर 2 में कितने लोगों को कॉल किया जाएगा, अब आपके दिमाग में दिक्कत होगी कि टायर 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। आप देखोगे 5 गुना जितनी भी वैकेंसीज है, वैकेंसी कितनी है 2000, मतलब बेसिकली 2000 का 5 गुना 10,000 लोगों का आईबी इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू का कितना बड़ा रोल है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, सब कुछ जो डिटरमाइन करता है। आप इंटरव्यू तक आसानी से पहुंच सकते हो, बट इंटरव्यू से निकलना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। तो उसके लिए भी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी लाइव आपको एग्जांपल दूंगा। मैं यहां पर बेसिकली कुछ मेरे दोस्तों को लाना चाहता था, बट आईबी के कुछ गाइडलाइंस है जिसके चलते वो बेसिकली डायरेक्टली ऑनलाइन तो नहीं आ सकते, बट उनके जो पूरे के पूरी बेसिकली इसके बारे में, एग्जाम प्रोसेस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में सारी चीजें थी, वो आप लोगों तक मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है सर, आप भी तो, यस डेफिनेटली मैंने भी आईबी एसीआईओ इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुआ था, तो मेरा लाइव एक्सपीरियंस भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और किस टाइप से, भी आपको बताऊंगा क्या सिटिंग अरेंजमेंट होता है। आप लोग भी सोचोगे कि ऐसा छोटा मोटा इंटरव्यू तो नहीं होता, 3 लोग बेसिकली आपके सामने बैठे होंगे। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पर बैठे हो, 3 लोग आपके सामने है, एक बेसिकली क्रॉस में आपके बैठेगा। क्रॉस में आपका क्या चेक करेगा, आपका बॉडी मूवमेंट चेक करेगा कि बेसिकली जब आप आंसर दे रहे हो तब आपकी बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी उस आंसर को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि बेसिकली बहुत सारी चीजें यहां पर देखी जाती है, सिंगल चीज से ये इंटरव्यू पास नहीं होता, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। संगीता कुमारी और भी सब लोग बेसिकली शेयर कर सकते हैं सारी की सारी चीजों को, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली आप कहां तक पहुंच गए थे, टायर 1 आपने क्लियर कर लिया, मतलब जितनी भी वैकेंसीज है उसका 10 गुना। ठीक है, तो बेसिकली वैकेंसीज का 10 गुना मतलब 20,000। ठीक है, आपकी वैकेंसीज है 2000। ठीक है, तो 20,000 लोगों को बेसिकली टायर 2 के लिए बुलाया गया। और बेसिकली अब आप देखोगे यहां, जब आप बेसिकली इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हो, अब इंटरव्यू के लिए अपीयर जब आप होते हो तो 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, मतलब लगभग 10,000 लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। और इंटरव्यू होता है आपका 100 मार्क्स का, तो आप सोचो 100 मार्क्स का आपका टायर 1 है, 50 मार्क्स का आपका टायर 2 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में भी लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंटरव्यू में प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करना है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी, मिनिमम कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने गुना लोगों को आईबी यहां पर बुलाएगा, चाहे टायर 1 के अंदर हो चाहे टायर 2 के अंदर हो। ठीक है, उसके बाद जब आप टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीनों पास कर लोगे, ठीक है, जब बेसिकली आपका तीनों पास हो गए, उसके बाद बेसिकली आपको बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका बेसिकली पूरा का पूरा पास्ट रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। ध्यान रखना इस एग्जाम में कुछ भी चीज गलत मत भरना, आईबी का एग्जाम है, आपका हर एक रिकॉर्ड, हर एक छोटी से छोटी चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो बेसिकली इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भरोगे या इंटरव्यू देने से जाने से पहले भी आपसे एक फॉर्म आईबी भरवाएगी, उसमें एक भी इंफॉर्मेशन गलत मत भरना, आपसे आपके पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि पिछले 5 साल आप कहां कहां पर रहे थे, आपने क्या क्या किया था, तो सारी चीजें वही भरना जो आपने किया है, क्योंकि पूरा का पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, इसीलिए लिखा हुआ है आपका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है आईबी की ट्रेनिंग को लेकर। तो बेसिकली जब आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्लियर कर लोगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए। आपको बता देता हूं 2 ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगी, 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड यहां पर चलता है, 2 साल तक आप परमानेंट नहीं होगे, 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, वो हर सर्विस में आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना 2 ट्रेनिंग यहां पर होती है, ट्रेनिंग की भी कुछ खास बातें बताता हूं, ठीक है, जो मैंने मेरे सारे दोस्तों से कलेक्ट करी है और बिल्कुल अप टू द मार्क आपको देखने को मिलेगी। जो भी स्टूडेंट बेसिकली
फ्यूचर में इस ट्रेनिंग के अंदर अपीयर होगा, उनको ये सारी की सारी रियलिटी चेक आपको देखने को मिलेगी। लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज का कोई भी बार नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देना चाहो दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं हर चीज के अंदर, आप जिसमें बोलना चाहो आपसे सुना जाएगा। अब ट्रेनिंग के अंदर सुनिएगा आप सब लोग, दो टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक तो होती है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग और दूसरी होती है आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग। ध्यान रखना ये दोनों ट्रेनिंग होती है, आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाएगा फिजिकल एज वेल एज टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इनकी एकेडमीज बनी हुई है, जोधपुर के अंदर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है। तो बेसिकली उस एकेडमी के अंदर आपको, कई लोग उर्दू सीखते हैं, बेसिकली सीखनी पड़ती है आपको, बेसिकली अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप बेसिकली भारत सरकार के खुफिया विभाग में जब काम करोगे तो आपको अलग अलग जगह जाने का मौका मिलेगा। तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तो आपको काफी टेक्निकल साउंड किया जाएगा फिजिकल ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से भी और बेसिकली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। काम बहुत एडवेंचरस काम है इसका, ठीक है। काम भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम से समझ में आता है कि आपको इंटेलिजेंस गैदर करनी है। ध्यान रखना वो सारी घटना जो होने वाली है उसके बारे में पहले से आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है। कल बेसिकली हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला है, तो आपको पहले से पता होगा आज, ठीक है, कि कल बेसिकली यहां पर ये चीज होने वाली है। तो आपका काम क्या होगा, इंटेलिजेंस को गैदर करना। और बेसिकली यहां पर फील्ड एजेंट के रूप में आप काम करते हैं, मेनली फील्ड आपकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी इनिशियल। बाद में जैसे जैसे बेसिकली आप सीनियर होते जाओगे, आपके प्रमोशन से बेसिकली आप अपर हायरार्की के अंदर एंटर यहां पर करते चले जाओगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेसिकली एग्जाम पैटर्न हो गया हमारा, ठीक है, इसके एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे यहां पर, एक और चीज आपको बता देता हूं, मैंने आपको बोला था कि जो आपका जो टायर वन का स्कोर आएगा वो नॉर्मलाइज होके आएगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो बेसिकली सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर होगा, उसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी। एक और जनरल डाउट जो स्टूडेंट के मन में होता है, कई लोग सोचते हैं कि सर बेसिकली हमारे तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक स्टूडेंट के 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, एक स्टूडेंट के 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, एक जनरल का 50 प्लस मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया, ओबीसी का 60 प्लस पर भी क्यों नहीं हुआ, ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ध्यान रखना एक चीज आपको बता देता हूं, टायर वन में जो आईबी है आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देगी, मतलब टायर वन के अंदर आपकी कैटेगरी से ही आपको माना जाएगा। ध्यान रखना रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलता है यहाँ पर फाइनल स्टेज पर मिलता है, जब आप बेसिकली इंटरव्यू के अंदर अपीयर होके आपकी जब फाइनल मेरिट डिक्लेयर होगी तब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। इनिशियली आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको अपनी कैटेगरी से ही बेसिकली क्वालिफाई करना होता है। आईबी क्या करेगी, ओबीसी में 500 सीटें हैं तो 500 का कितना कर लेगी, 500 का बेसिकली 10 गुना कर लेगी, तो ओबीसी से 5000 बच्चे ले लिए। जनरल के अंदर 900 सीटें हैं तो 900 का कितना गुना कर लेगी, 10 गुना कर लेगी, ओबीसी जनरल से कितने बच्चे ले लिए, 9000। आप बोलोगे सर जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ कम गई है, ओबीसी की ज्यादा गई है, और कट ऑफ भी डिस्क्लोज नहीं होती, आईबी की कुछ भी चीज डिस्क्लोज नहीं होगी। आपको बता देता हूं आईबी पर आप आरटीआई भी फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंसी है, यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन आप नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो बेसिकली आप कंफ्यूज मत होना, आपको तो बेसिकली मेहनत करनी है कि बेसिकली कितनी भी कट ऑफ जाए मुझे बेसिकली हाईएस्ट कट ऑफ को क्वालिफाई यहां पर करना है। कैसे करना है वो भी आप बताता हूं, क्योंकि काफी चैलेंजिंग टास्क है। एक घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन से ज्यादा होते हैं, किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से आपको इंटरव्यू तक पहुंचना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से होगी, क्योंकि इंटरव्यू में काफी इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक आप सब लोग सुनते रहिए, काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म की डेट चालू हो चुके हैं, 17 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 9 जनवरी लास्ट डेट है, सब लोग फिलअप कर दीजिएगा। और ध्यान रखना काफी अच्छी वैकेंसी है, आपका एक बैकअप ऑप्शन है। ध्यान रखना जब आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की वगैरह की, तो कई लोगों के पास बैकअप नहीं होता, तो ये काफी अच्छा बैकअप है, ठीक है। और बेसिकली एक और चीज बताता हूँ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए इस एग्जाम में काफी अच्छा टाइम मिलता है। एक बार आपका सिलेक्शन होने के बाद, इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बेसिकली 24 घंटे की नौकरी है, ठीक है, आपको काफी अच्छा टाइम मिलता है। और जब रिमोट एरियाज में पोस्टिंग होती है, ठीक है, अभी तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में हालत खराब है, नॉर्थ ईस्ट में हालत खराब है, बट जनरल सिचुएशंस के अंदर अगर आपकी
रिमोट एरियाज में पोस्टिंग होती है तो पढ़ने का खूब अच्छा टाइम मिलता है, सैलरी अच्छी खासी आती है, पढ़ने का खूब अच्छा टाइम मिलता है, क्योंकि 2 साल आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो आपके आसपास के एरिया में नहीं रहेगी, 2 साल आपको श्रीनगर डाल दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया जाएगा, तो इन सब एरियाज के अंदर जनरल सिचुएशन में सबको शांति देखने को मिलती है। बट बेसिकली कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जब दिक्कत भी होती है, तो बेसिकली ये ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है। अभी लास्ट में आप सब लोगों के डाउट लूंगा, ठीक है, अभी एक बार मुझे मेरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, लास्ट में सारे डाउट्स भी आप लोगों के लिए जाएंगे, ठीक है। कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास पेपर्स वगैरह है, ठीक है, तो एक बार आप बेसिकली स्लाइड पे आ जाइए, ठीक है, ताकि आप सारे के सारे पेपर्स यहाँ पर देख सके, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल होगी ये स्लाइड्स, ठीक है, सब लोगों को विजिबल है स्लाइड्स, ठीक है। चलो यहां से मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ पेपर्स को लेकर, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे जो मैंने आपको बताया था ये पिछले साल का पेपर है, ठीक है, ये आईबी का 2017 का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ये टायर वन का पेपर है। और ध्यान रखना आईबी का एग्जाम हर साल नहीं होता, पहले बार 2017 के बाद अब जो सीधी वैकेंसी आई है 2020 के अंदर आई है, तो कभी तीन साल में, कभी 4 साल में, कभी 5 साल के अंदर, तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो सब लोगों को इसको फायदा उठाना है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर देखोगे कि बेसिकली आपको जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन दिख रहे हैं, कई बार डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन कि बेसिकली 2017 में भारत आसियान का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के हो, चाहे डिफेंस के हो, चाहे बेसिकली आपके सबमिट्स को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे स्कीम्स को लेकर, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, डायरेक्टली पूछा जाएगा। जैसे कि पूछा जाएगा सितंबर 2017 में नाविका सागर परिक्रमा, जिसने बेसिकली पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा की थी, कौन से उसके द्वारा की गई थी, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। भारत का पहला साइबर न्यायालय कहां पर प्रारंभ किया गया है, भारत का नहीं, पूरे के पूरे विश्व का, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो कि बेसिकली यहां पर जितने भी क्वेश्चन है, यहां पर कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से या बेसिकली कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे, जैसे कि इंटरनेट टर्म www का मतलब क्या है, आईपी एड्रेस वर्जन 6 में कितने बिट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन साइंस से भी देखने को मिलेंगे, सनलाइट वगैरह को लेकर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से भी देखने को मिलेंगे। तो आपको जो 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी नए पैटर्न के अनुसार, बेसिकली क्या दिया गया, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से और 20 क्वेश्चन आपके जीएस से, टोटल 40 क्वेश्चन में आपको जो स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वो तो आएगा ही आएगा, और लगभग 20 क्वेश्चन करंट पर देखने को मिलेंगे। करंट के अंदर बेसिकली आज तो हम जस्ट इसका ऊपर ऊपर से पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जहां पर बेसिकली हम देखेंगे कि क्या क्या पार्ट आपको यहां पर पढ़ना है, टू द पॉइंट आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आईबी के एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है। और ध्यान रखना जब इस पेपर को आप अटेम्प्ट करोगे ना, पहले मैथ्स के पीछे मत भागना, पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि बेसिकली मैथ्स जो 2017 में भी पूछी थी काफी टाइम कंज्यूमिंग थी, आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगी और काफी कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और लास्ट में आपके पास टाइम काफी कम बचेगा और आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपका जो बेसिकली मैथ्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसका मैथ्स अच्छा है उसके लिए भी बोल रहा हूं, ऐसा मत करना कि सर हमारा मैथ्स तो काफी अच्छा है हम तो मैथ्स सबसे पहले करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के चलना। देखो सिंपल सी चीज बोलता हूं, जहां पर सबसे कम टाइम लग रहा है उसको सबसे पहले निपटा लो, ठीक है, चाहे आपका जीके का पोर्शन हो, चाहे आपका जीएस का पोर्शन हो, चाहे आपका इंग्लिश का पोर्शन हो, चाहे आपका रीजनिंग का पोर्शन हो, ताकि आप मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम बचा सको। आपको मैथ्स इसलिए लास्ट में बोल रहा हूं कि मैथ्स बेसिकली आप ज्यादा टाइम बचाओ, ठीक है, इनको आप जल्दी से निपटाओ और मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम बचाओ, ताकि मैथ्स में आप टाइम लगा सको, क्योंकि मैथ्स में काफी सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर काफी लेंथी क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन हो जाते हैं, लेंथी का मतलब क्या है, जो 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, मेरे लेंथी की डेफिनेशन क्या है, जो 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास 60 मिनट है और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और बेसिकली यहां पर कट ऑफ पास करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये भी चीज आप ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं है कि सर हम तो 85 करके आ पाए थे, हम तो 60 ही करके आ पाए थे, आपको बेसिकली 60, 70, 80, ठीक है, यहां तक आपको 80 तक 75 तक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन से ये तो छोड़ने नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप देखोगे यहां पर देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किन किन को मान्यता देता है, बेसिकली मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, मनसबदारी सिस्टम से क्वेश्चन आ गया,
तो क्वेश्चन बेसिकली अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपकी तैयारी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, संसद के दो सत्रों के बीच का कितना अंतराल होना चाहिए, भारत में इन्फ्लेशन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, राइट टू प्राइवेसी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, प्रेसिडेंट ने बेसिकली अयोध्या विवाद चल रहा था तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपके छूट ना जाए, ठीक है, ध्यान रखना ये आपके छूट ना जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। स्पेशली हम वो लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को ये पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कुछ लोग एसएससी बैंकिंग वाली करते हैं तो उनका हो सकता है ये पोर्शन इतना अच्छा नहीं हो, बट बेसिकली जो मेरा सारा का सारा जिन लोगों को मैं पढ़ाता हूं वो सारे के सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो सबको एग्जाम का फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं है कि सर हम तो बस यूपीएससी करेंगे, ठीक है, फॉर्म भर दीजिए ना, ठीक है। आप डेडिकेटेडली तैयारी नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देकर आइए। मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जाम ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसे ही निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है उससे भी एग्जाम निकाले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर लगे हुए हैं और सब कुछ आईएएस वाईएस छोड़ दिया, नहीं, आपको भर दीजिए फॉर्म। कई बार जब किस्मत अच्छी होती है और आपकी नॉलेज अच्छी बढ़ जाती है तो जीएस के बेस से भी एग्जाम निकल जाता है, ठीक है। मैथ्स वैथ थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत आपको सब आना चाहिए, ठीक है, मैथ्स भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, और इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, ये चीज आप भूल जाना, ठीक है। बेसिकली उसी की अच्छी होगी जो डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करता है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे नहीं है कि सर हमने तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है हमें सब कुछ आता है, बिल्कुल नहीं है, आपका भ्रम है, ठीक है। वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको बेसिकली जो रीडिंग स्किल्स है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। साथ में बेसिकली आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो काफी सारी चीजें वहां से आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको स्ट्रेंथन करेगी। इसीलिए मैं बोलता था कई लोग जो मेरे पास थे, ठीक, जो पढ़ रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट की, सर हमको हिंदी में पढ़ाइए हमको इंग्लिश समझ नहीं आती, मैं बोलता हूँ कि बेसिकली चीजें समझने का ट्राई तो कीजिए, आप लोगों को अभी नहीं बहुत हेल्प इससे मिलने वाली है। ये जो टर्म्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको इसी में जाना है इसी में काम करना है, बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो बेसिकली 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली उनका जो चल रहा है उसमें कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकता, बट अगर आपका क्लियर होता है तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको आईएएस बनने की जो ललक है वो और ज्यादा बढ़ेगी, तो थोड़ा सा इसको साथ में लेकर आप चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये क्वेश्चन है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन भी दिखाए मैंने आप लोगों को, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर idioms को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, वोकेबुलरी को लेकर काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पैसेजेस को लेकर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आपका बेसिकली सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला है वही कर पाएगा, यहाँ पर जिसकी ग्रामर अच्छी है ना, ध्यान रखना ग्रामर जिसकी अच्छी है वो बेसिकली यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्रामर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, आपका सारा का सारा पार्ट हो जाएगा। ये तो था आपका जो टायर वन वाला पेपर था, ठीक है, ये भी बेसिकली करंट नॉमिक्स टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करवा दूंगा, ताकि बेसिकली आप सारा का सारा यहाँ पर पैटर्न देख सके, ठीक है। और बेसिकली जो नए स्टूडेंट है पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कि बेसिकली करंट नॉमिक्स के माध्यम से सिविल सर्विसेज को लेकर, स्पेशली यूपीएससी को लेकर, स्टेट पीसीएस में हम आरपीएससी को लेकर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बेसिकली वो आपके लिए काफी अहम होगा, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और मेरी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो अनअकैडमी वाली क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वाईफाई स्टडीज पर भी मेरी क्लासेस चल रही है, तो बहुत सारी चीजें। अब आपको टायर टू का पेपर दिखा देता हूं, ये टायर वन का पेपर था, अब टायर सेकंड का पेपर आप लोगों को दिखा देता हूं किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है। ये टायर सेकंड का पेपर है, जब बेसिकली आप टायर वन क्लियर कर लोगे, ठीक है, मतलब आप बेसिकली कितने स्टूडेंट में आ गए, 2000 का 10 गुना आप कर लीजिए, मतलब बेसिकली आप 20,000 स्टूडेंट में आ चुके हैं। अब 20,000 को बेसिकली टायर टू करने को दिया जाएगा, इसमें बेसिकली आप देखोगे पहला क्वेश्चन होगा ऐसे राइटिंग का, ये बेसिकली आपका कंप्यूटर पे नहीं होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको बेसिकली रिटन एग्जाम आपको करवाया जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। तो 2017 के बाद डायरेक्टली पेपर अभी 2020 में हो रहा है, इसलिए सारी की सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। 400 वर्ड के अंदर ऐसे लिखने को होगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तीन ऐसे दिए गए थे 2017 में, तीन में से आपको एक लिखना था, और काफी अच्छे ऐसे थे, ठीक है, बहुत अच्छा पूछा था। एक तो सोशल मीडिया को लेकर पूछा था कि सोशल मीडिया आपके लिए वरदान है या आपके लिए अभिशाप है, ठीक है, स्पेशली सिक्योरिटी एजेंसी के पर्सपेक्टिव से। साथ में लगा दिया था कि जो सोशल मीडिया है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वरदान है या अभिशाप है। उसके बाद पूछा था एक ऐसे काफी अच्छा था, देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, क्योंकि उस समय ऑनर किलिंग काफी ज्यादा चल रहा था, ठीक है, जैसे अभी आप लव जिहाद सुन पा रहे हो ना, वैसे
ऑनर किलिंग काफी ज्यादा चल रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने वोटर को लेकर, उन्होंने बोला था कि क्या आप इस बात से सहमत हो क्या कि जो अगला वर्ल्ड वॉर लड़ा जाना है वो वोटर पर लड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए काफी फेमस स्टेटमेंट था, एक बेसिकली काफी अच्छे फिलोसोफर थे, टी महान साहब ने बोला था यहाँ पर कि बेसिकली आपका जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा ना, क्योंकि बेसिकली एक वो कंट्री जो बेसिकली समुद्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी वही पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करेगी। तो उन्होंने बोला था वन वो विल कंट्रोल द सीज विल कंट्रोल द वर्ल्ड, ठीक है। और उसी के पर्सपेक्टिव से वाटर को लेकर और भी काफी सारे पर्सपेक्टिव थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर वोटर जीरो डे आपको देखा गया था, तो बहुत सारी चीजें थी। तो पहला क्वेश्चन ऐसे को लेकर था, दूसरा क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो आप देख सकते हो पैराग्राफ है, इसको लेकर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो 10 मार्क का ये पैराग्राफ पूछा गया था टायर सेकंड के अंदर। तीसरा आपसे पूछा गया था, एक पैसेज दिया गया था, इसकी प्रेसी आपको करनी थी, इसको समराइजेशन आपको करना था 10 मार्क्स में। समराइज का मतलब इसको 1/3 में आपको लिखना होता है, इसका पूरा का पूरा जो सार है उसको 1/3 में आपको समराइज करना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन बेसिकली टायर सेकंड में आईबी के द्वारा पूछे गए थे। अब तीसरा चरण आता है आपका इंटरव्यू, तीसरा चरण आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए जनरली आपको दिल्ली सेंटर मिल जाएगा, जयपुर भी सेंटर मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो आईबी बेसिकली सेंटर बनाती है इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। अब आपको बेसिकली यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको मैं यहां पर चेयर बना रहा हूं, ठीक है। बेसिकली आप इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हो, यहां पर इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है, मेंबर नंबर 1 आपको देख रहे हैं, मेंबर नंबर 2 आपको देख रहे हैं, मेंबर नंबर 3 आपको देख रहे हैं, ठीक है। एक जो मेंबर है बोर्ड का वो आपको इस क्रॉस कनेक्शन में बैठा हुआ मिलेगा, ये मेंबर नंबर 4 होगा जो आपको बेसिकली आपको क्रॉस एग्जामिन करेगा जब आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। यहां पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, अबाउट, फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सिक्योरिटी एजेंसी को आप क्या दे सकते हो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स को लेकर जो भी न्यूज में चल रहा है उसको लेकर पूछ लिया जाएगा, फिर आपके बैकग्राउंड को लेकर, आपके फादर के बैकग्राउंड को लेकर, ठीक है, और फादर के बैकग्राउंड को लेकर भी काफी ज्यादा वो बेसिकली काफी ज्यादा छानबीन करते हैं। और जो भी आंसर आप दे रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि ये जो फोर्थ मेंबर होता है जनरली साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपके बॉडी मूवमेंट को मॉनिटर करता है, क्योंकि जब भी हम कुछ झूठ बोलना चाहते हैं हमारा बॉडी मूवमेंट हमारा साथ नहीं देता, ध्यान रखना, जब भी हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमारा बॉडी मूवमेंट हमें सिंक्रोनाइज नहीं करता। एक सही आंसर जब मैं दे रहा हूं और एक गलत आंसर जब मैं दे रहा हूं तो मेरे बॉडी मूवमेंट के अंदर चेंज डिफरेंटली होगा, ठीक है, और वही मॉनिटर करता है आपका मेंबर नंबर 4 जो क्रॉस में बैठकर आपको देखता है, ठीक है। कई बार तो ये एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बट बेसिकली कई बार पूछ भी लिया जाता है इनके द्वारा भी क्वेश्चन। तो बेसिकली आपकी जनरल प्रोफाइल को लेकर, आईबी को लेकर ढेर सारे क्वेश्चन, नक्सलवाद को लेकर पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि कभी बेसिकली आपने जो नॉर्मल चीजें होती है एनडीओ को लेकर वगैरह ज्वाइन किया है क्या, इस फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आप आईबी को दे सकते हैं, तो बहुत सारे भरमार क्वेश्चन होते हैं। तो इंटरव्यू की भी अलग से अपन प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे, तो ध्यान रखना यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा ध्यान रखना। अगर आपका प्री और मेन अच्छा भी नहीं गया है बट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो बेसिकली फिर भी आप सिलेक्शन पा सकते हो अगर आपका इंटरव्यू बेस्ट हुआ है। जिसका इंटरव्यू बेस्ट गया था, मैंने सबको देखा है, जिसका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था, मतलब अच्छा होने का मतलब कि बोर्ड मेंबर्स आपसे सेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि बेसिकली आपका बॉडी मूवमेंट, आपने सारी की सारी चीजें अच्छे से बताई है, एलोबरेट की है, आपका बॉडी मूवमेंट सिंक्रोनाइजेशन में, ऐसे नहीं आपका पैर धूज रहा है, आप पैर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप बॉडी को काफी ज्यादा शेक कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल होकर, बिल्कुल काम होकर जिसने आंसर दिया है, ठीक है। और बेसिकली हाइट वगैरह भी देखी जाती है, देखो सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं, आपकी हाइट वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं हो तो भी चलेगा, बट हाँ एक नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारे पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं, उसके अलावा आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होता ही है, ठीक है, कि आप बेसिकली परफेक्टली फिट हो इस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। बट हाँ, जॉब काफी एडवेंचरस है, ठीक है, आपको अलग अलग जगह पर घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा अलाउंस आपको देती है, मैं आपको बोल रहा हूँ सिक्योरिटी एजेंसी से ज्यादा अलाउंस कहीं पर नहीं है, इतना अलाउंस आपको मिलता है रिमोट एरियाज में, तो आप मानोगे नहीं। अभी मेरा एक काफी बेस्ट फ्रेंड लोकेटेड है, उसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो बेसिकली रिमोट एरियाज के अंदर पोस्टिंग है, ठीक है,
तो रिमोट एरियाज के अंदर अलाउंस भर भर के मिलेंगे, ठीक है। आपको देखने में सैलरी जो बेसिक सैलरी 45 कैसे दिखाई गई है ना, उसके बाद अलाउंस बहुत सारे 20% स्पेशल सिक्योरिटी मिलेगा, रिमोट लोकेशन का अलग से मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे अलाउंसेज यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली जो भी हमारी चीजें बच रही है, पेपर में डिस्कशन कर दिया ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के बारे में, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट से डाउट पूछ लीजिए, आपके कुछ भी डाउट आपको इस एग्जाम को लेकर हो तो आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो फटाफट से आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, पोस्ट के बारे में, ठीक है, यस बुक्स के बारे में एक और चीज मुझे बतानी थी, ठीक है, बुक्स के बारे में मैं जनरली आपको बता देता हूँ, ठीक है। बुक्स में बेसिकली आपका जो मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो एग्जाम में आएगा मैथ्स वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, आपका जीके वाला पार्ट है और इंग्लिश वाला पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, प्लस आपका करंट के लिए तो बेसिकली आपको कम से कम पास्ट 6 to 8 months का तो करंट कवर करना ही पड़ेगा, कम से कम। मैं तो चाहूंगा कि आप पिछले 12 महीने का कवर करो, लेकिन कम से कम पिछले 6 से 8 महीने का कवर, जो भी इंपॉर्टेंट सबमिट हुई है, स्कीम रिलीज हुई है, स्पोर्ट्स के अंदर हुआ है, किसी को अवार्ड मिला है, कुछ भी हुआ है, वो सारा वन लाइनर आपको अच्छे से कवर करना ही होगा, ठीक है, ये सारी चीज। और स्टैटिक जीके के अंदर आपको पूरा का पूरा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज्यादा डीप में नहीं बोलता। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बेसिकली बताने की जरूरत नहीं है, ये बुक उनके लिए है जो बिगिनर्स है, इस एग्जाम के अंदर अपियर होना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के लिए नॉर्मल बुक आप जो फॉलो करते हैं, RS अग्रवाल है, या बेसिकली और भी काफी सारी बुक्स आती है, तो बेसिकली आप टॉपिक वाइज स्टडी करें तो काफी अच्छा रहेगा। टॉपिक वाइज मतलब जो जो टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, जिन भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनकी अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को तैयार करके प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग में भी सिमिलर, इसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बुक्स तो आपको RS अग्रवाल मिल जाएगी, और इंग्लिश के अंदर SP बख्शी बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक है, काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। SP बख्शी है, आई थिंक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए बता दिया, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, या बेसिकली और भी एडवांस अगर आप बुक फॉलो करना चाहे अरुण शर्मा, लेकिन जरूरत नहीं होती इतने की, ठीक है, मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूं, बट जरूरत नहीं पड़ती। रीजनिंग के लिए बेसिकली आप मोटी मोटी बुक्स पर ना जाकर तो जो जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उन पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, अलग से बुक पढ़ने की जरूरत मैं तो नहीं मानता इस एग्जाम के लिए है, ठीक है। जिस पैटर्न के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर संगीता ने बोला सर हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट जनरली यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूंगा तो कम से कम यहाँ पर कोई ऐसे अलग से तो नहीं बोला गया है कुछ भी चीज को लेकर, हाँ बट जनरली 5'3" 5'4" से तो आपकी कम से कम ऊपर होनी ही चाहिए, ठीक है, इतना जनरली होता है, बट हाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने बताया जनरली प्रेफरेंस दी जा सकती है, बट ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि 5'3" वाले का 5 का नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बट जनरली प्रेफरेंस दी जा सकती है, ठीक है, बट हाँ अगर आपका सारा का सारा चीज बायोडाटा इतना स्ट्रॉन्ग है, आप इतना स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको लिया जा सकता है, कोई भी इश्यू नहीं होता। फटाफट से जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है सब लोगों को, आपके डाउट्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, अगर किसी भी चीज को लेकर आपको डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, और आगे भी कुछ और क्लासेस अपन करेंगे, ठीक है, ताकि बेसिकली इसको लेकर आपको और भी क्लियरिटी आए। आज जनरल मैंने सारी चीजें बता दी है पोस्ट के बारे में, ठीक है। काम आपको फील्ड वर्क देखने को मिलेगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग का आपको काम होगा अलग अलग लोकेशन पर, जहां पर आपने देखा होगा कम्युनल राइट्स को लेकर, टेररिज्म को लेकर बहुत सारी इंटेलिजेंस यहाँ पर गैदर करनी होती है। एग्जाम पैटर्न देख लिया, लेवल देख ली, कट ऑफ देख ली, ध्यान रखना IB में कुछ भी पब्लिक नहीं होता, सिर्फ आपको रोल नंबर देखने को मिलेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, स्कोर कार्ड कुछ भी नहीं आता, न प्री का ना मेन का ना इंटरव्यू का, कुछ भी स्कोर कार्ड नहीं आता, आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे इंटरव्यू में 50 नंबर दिए हैं 60 नंबर दिए, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है और ना आप RTI लगाकर जान सकते हैं, तो क्लियर है। अगर कोई भी आपको बताता है तो बिल्कुल गलत है वो, ठीक है, क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्कोर कार्ड पब्लिक नहीं किया जाता, ठीक है। तो आई थिंक और सारी चीजें क्लियर होगी आप लोगों को, सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई, एग्जाम पैटर्न, लेवल, इंटरव्यू के बारे में, ठीक है, और बहुत सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू गाइस, थैंक यू।